हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, मतलब वो टर्म्स के आपको कोएफिशिएंट निकालना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स अदर देन कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स जो होंगी उनको कंसिडर नहीं करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 5 - 3t² पहला एक्सप्रेशन। इसमें 5 क्या है, कांस्टेंट है। जो नंबर्स होते हैं, ओनली नंबर्स अगर हैं उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट है, और हमें कांस्टेंट को नहीं लेना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है अदर देन कांस्टेंट्स, तो 5 को कंसिडर नहीं करना है। तो हमारी इसमें टर्म क्या आ जाएगी, 3t², राइट। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है ओनली, मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है इसका, -3, मतलब नंबर जो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, मतलब जो हमारे वेरिएबल का, वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, तो वो -3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 1 हमारा कांस्टेंट है तो 1 को हम नहीं लेंगे, बाकी हमें लेना है, एक टर्म टी है, दूसरी टी स्क्वायर है, तीसरी टी क्यूब है, राइट। और ये तीनों के कोएफिशिएंट, तो इनके आगे कोई टर्म नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ये 1 1 1 तीनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट हमें कोई टर्म नहीं दी है, मतलब एक एक हमें लेनी है, x हमारी एक टर्म है, दूसरी है 2xy, तीसरी है 3y, राइट। अब यहाँ पर हमें इनके कोएफिशिएंट लिखना है, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। xy वेरिएबल्स है, उनका कोएफिशिएंट 2 है, और y का कोएफिशिएंट 3 है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, दो टर्म्स हैं, वेरिएबल्स भी दिए हैं, उनके आगे नंबर्स दिए हुए हैं। पहली टर्म है 100m, दूसरी टर्म है 1000n। तो m के पहले जो है वो उसका कोएफिशिएंट होगा, यानी कि 100, n के पहले जो है वो इसका कोएफिशिएंट है, यानी कि 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दो टर्म्स दी हुई हैं, पहली टर्म है -p² q², दूसरी है 7pq, राइट। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1 है, लेकिन ये माइनस की साइन भी इसी को मिलेगी, और यहाँ 7pq, तो pq का कोएफिशिएंट 7 है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है 1.2a और दूसरी है 0.8b। ए का कोएफिशिएंट, मतलब उसके आगे वाला नंबर जो कि है 1.2, बी का कोएफिशिएंट यानी उसके आगे वाला नंबर यानी 0.8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा एक्सप्रेशन है 3.14r², तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टर्म है, वो है 3.14r², राइट। आर स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे वाला जो नंबर होता है वो हमेशा कोएफिशिएंट होता है, मतलब 3.14 हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया, राइट। इसके आगे है 2l+b, मतलब यहाँ क्या है, 2 और ये l+b दोनों इसके साथ में है, मतलब ये अगर हम ऐसे ले तो 2l+2b होगा, ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारी एक टर्म आएगी 2l और दूसरी आएगी 2b। l का कोएफिशिएंट 2, बी का कोएफिशिएंट 2, ये समझ में आया आपको। ये 2 जो है ये दोनों के लिए है, अगर मैं 2 को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 को एल से भी, 2 को बी से भी, तो 2l+2b टर्म बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगा, और उसको मैंने अलग अलग करे टर्म्स को, एंड देन उसका कोएफिशिएंट लिखा है। लास्ट हमारा है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक 0.1y, दूसरी है 0.01y², वाई का कोएफिशिएंट है 0.1, वाई स्क्वायर का है 0.01, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन 3, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमें किस तरह से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है, और इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। फर्दर क्वेश्चंस के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।